नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मनी प्लांट को पानी में किस तरह से बड़ा करना है, उसमें नई रूट्स किस तरह से डेवलप होती है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्लास्टिक के कप्स या तो आप किसी भी बर्तन में पानी भर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में आपको मनी प्लांट की बेला लानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमने 2 ग्लास में ऑलरेडी पानी भरा था, और उसके बाद में अब हम यहाँ पे मनी प्लांट की बेला आपने लाने के बाद में आपको देखिए नॉट रहती है यहाँ पे, जो गठन टाइप जहाँ से पत्ता निकला है और नई रूट निकलती है, इसमें बहुत ही आसानी से नई रूट्स डेवलप भी हो जाती है। आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं तो डायरेक्टली 10 से 15 दिन बाद वहाँ नई रूट्स डेवलप हो जाएंगी और पेड़ भी बड़ा होता है। फिर तो आपको छोटे छोटे ऐसे नॉट जो गठान रहती है उसके जहाँ से पत्ता निकला है उसके दोनों एंड से छोटा पोर्शन कर देना है, तो आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी हम और इसे छोटा करेंगे, इसके बाद में हम इसे पानी में डुबो के रखेंगे। देखिए इसी तरीके से हम और कटिंग्स बना लेंगे, और जो कि देखिए नॉट यहाँ रूट्स निकल जाती है बहुत ही आसानी से और पत्ता भी रहता है। देखिए हम बेला बड़ी भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ नॉ गठन वाला जो पोर्शन है जिसे नॉट कहते हैं तो वह पोर्शन आपको डुबो के रखना है। इस तरीके से आपको पौधे को जो मनी प्लांट का जो बेला रहता है इसे अब हम मिट्टी में भी लगा के देखेंगे कि इसमें रूट्स डेवलप होती है क्या नहीं। तो बहुत ही इजीली होती है, आप डायरेक्टली ज़मीन में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी। देखिए हम इन जो गठान वाला पोर्शन है उसे ज़मीन में हमने मिट्टी से ढक दिया है। देखिए इस वीडियो में रिजल्ट भी मैंने ऐड किया हूँ, आप रिजल्ट भी देख सकेंगे जिसमें नई रूट्स डेवलप हो चुकी है। और पौधे को छांव में रखना है, आपको धूप में नहीं रखना है। आप देखेंगे 1 महीने बाद बहुत ही अच्छी तरीके से रूट्स आपको दिखेंगी। पेड़ लगाने के बाद में आपको पानी डाल देना है और मॉइस्चर नमी उसमें बनी रहे मिट्टी में, यह थोड़ा ध्यान देना है आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप पौधे को मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं और इस तरीके से प्लास्टिक के कप या बर्तन में आप पानी में रख रहे हैं तो आपको 3 से 4 दिन बाद आपको पानी चेंज करते रहना है। देखिए जैसे कि हम चेंज कर रहे हैं, आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है। जैसे आपने 3 दिन हो गए फिर चेंज किया, फिर 3 दिन हो गए फिर चेंज किया, ऐसे आपको चेंज करना है ताकि वहाँ पर वहाँ नई रूट्स जो निकलती है वहाँ सड़े ना। आप अच्छी ग्रोथ होने के लिए इसमें एनपीके का फर्टिलाइज़र आता है वहाँ थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या अन्य कुछ खाद आप चाहे तो इसमें ऐड थोड़े प्रमाण में आप डाल सकते हैं ताकि जो रूट्स है वहाँ अच्छे से डेवलप हो सके और नई ब्रांचेस उसमें निकल पाए। तो अगर नहीं भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको पानी चेंज करना है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखें। देखिए यहाँ रिजल्ट 20 दिन के बाद में इसमें देखिए नई रूट्स डेवलप हो चुकी है, आप क्लियरली देख सकते हैं नई रूट्स विजिबल है। देखिए हमने जो कटिंग्स पानी में ग्रो करी थी तो नए रूट्स डेवलप हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी नई रूट्स डेवलप हो चुकी है, इसे आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं अब, या तो प्लास्टिक की बोतल या तो कांच की बोतल में भी आप इन
मनी प्लांट के पौधे को आप बड़ा कर सकते हैं। मिट्टी में बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है क्योंकि पोषक तत्व मिलते रहते और पानी में उतने पोषक तत्व नहीं रहते, इस वजह से, और ऊपर से आपको पानी चेंज करते रहना पड़ता है, यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। तो हो सके तो मिट्टी में लगाए और उसमें खाद डालते रहें, ताकि एनपीके का सॉल्यूशन आप या लिक्विड स्प्रे और फंजीसाइड का इस्तेमाल भी करते रहें, ताकि किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन पौधे पर ना हो। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नया अंकुर निकल रहा है, इसमें से नई ब्रांच बनेंगी और रूट्स भी देख सकते हैं आप, क्लियरली दिख सकती है इसमें जो नई जड़ निकल रही है। तो हमने मिट्टी में तीन, हमने यहाँ मनी प्लांट के पौधे की कटिंग्स लगाए थे, तो आप देख सकते हैं इसमें भी रूट्स डेवलप हो चुकी है, बहुत ही क्लियरली दिखेंगी। मैं इसे पानी से अभी से धो लेता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ नई जड़ें निकल चुकी है, सफ़ेद सफ़ेद कलर की होती है यहाँ जो नई जड़ें हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको भी बहुत ही अच्छा अनुभव आएगा और आप घर पर ही यहाँ पौधा तैयार कर सकते। देखिए पानी से हम धो के दिखा रहे हैं आपको नई जड़ें जो निकली है इसमें, देखिए छोटी सी ये सफ़ेद कलर की आपको जड़ें दिख रही है। अभी हम यहाँ नई रूट्स जो डेवलप हुई है ये वाले पोर्शन को हम ज़मीन में लगाएंगे, तो इस बेला की देखिए बॉटम वाले पोर्शन में एक लीप का पत्ता का पोर्शन था तो उसे हमने तोड़ दिया है ताकि हमारे को लगाने में बहुत ही आसानी हो। और यहाँ आपको पौधा 10-15 दिन छाँव में रखना है, उसके बाद आप धूप में भी रख सकते हैं इस पौधे को। देखिए इसे भी हम लगा देंगे और अब मिट्टी से हमें इसे, आप बॉटल में मनी प्लांट के पौधे को बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ प्लास्टिक की बॉटल है, तो आपको यहाँ छेद कर देना है बाजू में, जैसे कि आपको सर्कुलर शेप दिखाया था मैंने, तो उतना बड़ा आप कट कर दीजिए और वहाँ पे जैसे ऊपर से आप पौधे को डाल देंगे, उसके बाद में आपको हर 10 दिन में पानी चेंज करना है, तो बहुत ही ईजीली आप कर सकते हैं पानी चेंज। नहीं तो आपको ऊपर से यहाँ ढक्कन वाले पोर्शन से आपको पानी निकालने में और पानी डालने में तकलीफें होंगी, इसलिए आप साइड में सर्कुलर शेप बना के वहाँ से आप पानी डाल सकते हैं। तो आप कांच की बोतल में भी रख सकते हैं, सिर्फ पानी चेंज करते रहना है आपको, नहीं तो जड़े है वहाँ सड़ती है। यहाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है, देख सकते हैं बहुत ही, और मनी प्लांट का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो पाता है यहाँ पानी में। इस तरीके से आपको पौधे की देखभाल करनी है।